हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो आज का जो आइटम है वो बहुत ही स्पेशल है। मोस्टली कंटेंट क्रिएटर अपने बैक साइड में इसे यूज़ करते हैं, मींस रखते हैं। सो ये है वो मिरर जो बहुत सारे फैशन क्रिएटर इस मिरर का यूज़ करते हैं अपने बैक साइड में रख के, और डेकोरेशन के लिए मोस्टली यूज़ करते हैं एंड देखने के लिए भी करते होंगे, बट इससे बैकग्राउंड अच्छा लगता है इसलिए मोस्टली कंटेंट क्रिएटर इसको यूज़ करते हैं। सो ये मैंने भी मंगवा लिया है अमेज़न से, और ये है वो बॉक्स। इसकी अनबॉक्सिंग मैं आप सबके सामने करना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत से लोगों को ऐसे मिरर लेने होंगे और वो सोच रहे होंगे कि ऑनलाइन ही मंगा लेते हैं। तो मैंने भी ऑनलाइन मंगा लिया, और मुझे ऐसा लगा कि ऑनलाइन इसका प्राइस कम है। अगर हम इसे बाहर से लेते हैं या बनवाते हैं तो प्राइस ज़्यादा होगा, इसलिए मैंने मंगवा लिया। और मंगवाते टाइम मुझे डाउट भी हुआ था कि ये अच्छे से रिसीव हो जाएगा या नहीं, और जबकि जो कोरियर लेके ये बंदा आया था उसने भी मुझे कंफर्मेशन मुझसे लिया कि आपको वो पार्सल चाहिए या नहीं। तो मैंने उससे बोला कि मुझे चाहिए, बिकॉज़ उनको भी ये लाने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा होगा इसलिए। सो ये रिसीव हो चुका है। इसके अंदर के जो भी आइटम थे वुडन, वो उन्होंने ऊपर रखा हुआ है, और जो मिरर है वो इसके नीचे है। और इसका जो फिनिश है वुडन का, वो फिनिशिंग काफ़ी अच्छी है, फिनिशिंग अच्छी थी इनकी। और जो वेट था इसका बहुत ही हल्का था। मुझे डाउट भी हो रहा था कि इसे अगर हम स्टैंड करेंगे तो शायद ये गिर भी सकता है, इतना हल्का मिरर था ये, मीन्स वुड इतना हल्का था। एंड ये वो सारी चीज़ें जिससे मिरर को हम दिखाएंगे उसके लिए था ये। सो इसके अंदर है मिरर। अब मैं मिरर आई होप अगर मतलब मैं होप ही कर रही थी कि अच्छा हो, क्योंकि मैं बहुत खुश थी जो मुझे रिसीव हुआ था, क्योंकि कलर इसका बहुत ही अच्छा था। जो मुझे कलर चाहिए था सेम था, जो डिज़ाइन चाहिए थी वो सेम थी। बट अब मिरर कैसा है और मिरर की क्वालिटी कैसी है वो मैं आप सबको अभी दिखाती हूँ। सो इस तरह से मिरर मुझे रिसीव हुआ था, टूटा हुआ था ये। और इसकी क्वालिटी, जो मिरर की क्वालिटी थी वो बहुत ही हल्की थी, मतलब थोड़ा सा भी जर्क लगने से ये टूट सकता था। सो इन्होंने पैकिंग भी बहुत अच्छे से नहीं की थी, इस वजह से भी ब्रेक हो सकता है। एंड बैक में इन्होंने एक सिंपल सा ऐसे कार्डबोर्ड लगा दिया था जिसकी वजह से ये स्ट्रांग नहीं था, और इवन बैक से जो इन्होंने कार्डबोर्ड लगाया था वो भी निकल चुका था। उसको इन लोगों ने पिन से होल्ड किया था, सो इसलिए वो टूट गया था, और मिरर भी निकल गया था इसलिए वो मिरर भी टूट गया। एंड मैं सोच रही थी कि शायद इसे मैं बाहर से ही बनवा लूँ, रिटर्न ना करूँ, क्योंकि थोड़ा डाउट था रिटर्न होने में। सो मैं सोच रही थी बाहर से बनवा लेती हूँ, और एक प्राइस का भी था, बाहर से इस तरह का मिरर लेंगे तो उसका प्राइस ज़्यादा होगा, इवन 8-9 thousand अराउंड हो जाएगा। सो मैं सोच रही थी अगर बाहर से बन जाएगा तो अच्छा रहेगा, बट मिरर बाहर से लगवाने पे भी उसका प्राइस उतना ही चला जा रहा था, सो मैंने इसे रिटर्न कर दिया। आई होप ये वीडियो आप लोग के लिए भी हेल्पफुल होगा, एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो।